हेलो माय डियर दोस्त, एम होस्ट मैं सुजीत कुमार कंसल्ट ऑफ टोमेट्रिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट। तो आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो लेयर ऑफ रेटिना, यानी हमारी आंखों का पर्दा जो होते हैं उनमें कितने परत होते हैं, आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम लोग को पता है कि जो हमारी आंखों का रेटिना है वो मेन पार्ट ऑफ द आई, यानी हमारी आंखों का मूल्य जो भाग है वो पर्दा है। अगर किसी कारणवश पर्दा खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो जो विजन लॉस हो जाता है, जो नजर खत्म हो जाता है, उसे आपस लाना मुश्किल हो जाता है, यानी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारी आंखों के जो रेटिना है उसमें कितने लेयर होते हैं। तो बेसिकली आंखों के पर्दे में परत जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो हम लोग इसे याद कैसे करें, तो हम लोग इसे याद करने के लिए कुछ आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको यह जल्द से जल्द याद हो जाएगा 10 का 10 लेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 लेयर के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 जो है वो ILM मींस इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो उसी का अपोजिट जस्ट कर दीजिए और OLM मींस आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और नंबर 3 में NEL यानी नर्व फाइबर लेयर। नंबर 4 में GCL यानी गैंग्लियन सेल लेयर। नंबर 5 में IPL इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, और इसी का अपोजिट कर दीजिए तो हो जाएगा OPL यानी आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। और नंबर 7 में INL इनर न्यूक्लियर लेयर, और जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए तो ONL यानी आउटर न्यूक्लियर लेयर। नंबर 8, 9 में फोटोरिसेप्टर, जिसे हम लोग PL बोलते हैं और इसे हम लोग रॉड्स और कॉन्स के नाम से भी जानते हैं। नंबर 10 रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम मींस RPE। तो हमने कुछ इसमें शॉर्टकट भी दे रखा है जिससे आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। और इसी तरह से आंखों से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से अगर कोई आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।